ताऊ ने देखे हो ताऊ जी शाह चश्मा में न के तो आपके देखा के कुमारा के खच्चर गए हो मत हो ताऊ एक बार मारे इन बर के ताऊ मेर ताई में दोनों में घना गच्चू प्यार इतना तगड़ा प्यार ताऊ कि चला जाता है का मन नहीं लगे ताई कि चली जाता होगा नहीं लगे घना आपस में प्यार प्रेम। तो एक दिन वो ताई ताऊ तो न्यू बोली न्यू सुनो हो जी बोला हाँ सुनाओ न्यू को मेरा भाई बीमार हो रहा है उसका पता लेने जाना है आपको तो मैं चली जाऊं नहीं आप चले जाओ। ताऊ बोला ना तू चली जा। अब वह चली गई वापिस आई जितना ताऊ मर गया। अब दोनों में घना गाडा प्यार था ते ढूंढती डोलो उसने मिला नहीं। गांव में चौपाड़ पे 5-7 ताश खेले थे उन धोरा के न्यू को देखा के मेरा पटवारी उनने सोची यार घना गाडा प्यार था कदे बुढ़ी ते एकदम तो बता दियो रे मर जा। बोला ना ताई उरे गया हा जगह थोड़ी बहुत देर में इतने में एक छोटा सा छोरा बाज का है। बोला ताई मैं बताऊं कित गया नुकित गया नुको तो मर गया नु अरे कित मर गया बोले लेकर चलो। अब जी तो उसने फूक क्या था उत राग पड़ी थी थोड़ी सी राग में मारे हाथ लुक आए रे रमलू छोड़ गया मैंने भरी जवानी में आए रे क्यों कर जीऊंगी तेरे बिना अनुराग मात मारते मारते बताओ की खोपड़ी हाथ मांगी नु उसने हाथ में लेकर नुक रे तू तो जमाए माड़ा हो गया आए रे तेरे नीचे का कित गया अनु करते करते कदे उस खोपड़ी ने छाती कलावा कदे चुम्मे तो उस खोपड़ी में एक ततैया ब्यारी वा डोले घूंघू करती अलीगढ़ का ताई का होठ पर पटका भर लिया देखे मारी खोपड़ी बोले भाई रोई के मरण ने मर गया तेरे चोचले नहीं गए डट जा बटे वो तड़की तड़क मारे बैठा है तू भी। एक बार मारे इन भर गए ताऊ जी रताई का मलेरिया हो गया मलेरिया अरे भुंडी डालकर हाय 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 खाट भी खड़ खड़ डाले अभी मारे रुक के अपने बेटा ने नुकरे छोरो बाज लो थारी माँ मरेगी नूर नूर गाबरा हो रहा बिल्कुल। अब लड़के ठाक अपनी माँ ने डॉक्टर के अब डॉक्टर तो था नहीं और जो कंपाउंडर था उसने पी रखी वो पी उन्हें गोली मार दें। अब सोचा यार माँ ने कितना दूर शहर में लेके जाओगी तो नहीं गुरड़ लेगी मर लेगी इस पर थोड़ा बहुत ठीक करवा लो। अब जाके डॉक्टर कहने को साहब कंपाउंडर साहब देखो ना माँ का मलेरिया हो रहा है बोला मलेरिया मैं सुवा लिया वही भी ठीक कर दूँगा बोलिया। अब जो डिटोल सा लगा के इंजेक्शन लगाए करा वो तो था नहीं बगल में एक पेट्रोल की शीशी धरी थी बरका इंजेक्शन पचते ही बुढ़ी का लगा दिया लागते ही बाज पड़ी छोरे पीछे पीछे बुढ़ी आगे आगे ने करे पकड़ियो माँ ना पकड़ियो माँ थे आइए टेली जागे फिर उसने पकड़ कर घर ले आए। अब लड़का का बाबू बोला अरे कित गई थी थारी माँ नुगो बाबू नू नू माँ तो इंजेक्शन लागते ही और अटेली थे आई नुगवा बेटे इंजन बेशक पुराना एवरेज पूरी देरी है नुए एक बार सिस्टम खराब हो गया मतलब पहले के टाइम में आदमी आया करते बड़ी बड़ी मूछ बड़ी बड़ी अच्छी मोटी मोटी पिंडी धोती खंड का दूर तो ही लगा करते हाँ भाई आदमी आओ है लुगाई नाम भी आया करते मोलड़ सिंह गौड़ सिंह बारे बारे नाम नाम तो लगा करता ठाडा आदमी आजकल नाम हो गए पप्पू सन्नी कोशिना क्लास आओ सन्नी कह दे हैं पिलपला हाओ पप्पू कह दे मतलब सिस्टम खराब हो गया। एक बार वो एक छोरा बैठा बस में एक ताई आई बोला ओ लड़के खड़े हो खड़ा हो जा नुके बात ताई नुकियो मेरी सीट है हैं तेरी सीट है नुकरा सीट मोटर की मोटर रोडवेज की रोडवेज सरकार की तेरी सीट क्यों कर ताई बोली छोरे ते। अब छोरा बोला ताई यो मेरी सीट न्यू को मैं गैलता आया हूँ बोला है गैलताया है बेटा फिर वह तेरी माँ की गलती। अब वो छोरा बेचारा दुखी होकर चला गया। अब इतनी देर में ताई ने पूरी बस में नंगा मारी एक रंग बिरंगी ही बुरशट पहन रहा डाडी कटा रहा क्लीन सेव चीकना हो रहा हाथा के बाल पड़ा रहा ओठ थ्रेडिंग थ्रेडिंग कह देख रहे सारे काम करा रहा लड़की वर्गा हो रहा। अब ताई ने नंगा मारी देखा न्यू को हो चौकी पूरी बस में कोई एक तो सुथरी सी बहू पाई। अब ताई उस छोरे की जड़ में जाकर बैठ गई। अब ताई तो अपनी गांव वाली देसी बात करेगी जाकर उस छोरे तन्यो को क्यों बेटी कित ब्याह रखी है बटेऊ के कर्या करे कितने बालक हैं। अब वो बेचारा छोरा शर्मा गया के बोले। अब ताई ने सोचा यार छोरी बोल नहीं रही इस गैल कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है आठा कानी निंगा गई ताई ने चूड़ी नहीं दिखी। अब ताई मार के उसके काचे काचे चूड़ी वाले हाथा पाथ नुगाए बेटी तू भी मेरी की डाल जवानी में रांड होगी बोला। अब पीछे से एक बोला री ताई छोरा है बोले के कही छोरा है ओहो भगवान ने यो बहुत बढ़िया काम करया छोरा है तो बेचारी उसके सारा दिन काट लेगी।
वो पीछे था फिर बोला रे ताइयो छोरी को ना, बोला क्या कही बेटा छोरी को ना, रहने को बावली बोझ इतनी जवान विधवा के, अरे जब छोरी हो जा तो बिरान मट्टी नहीं हो जा। अब वो बेचारा छोरी बरगा छोरा दुखी हो गए और चालती बस मत कूद गया। अब ताई बस की फाटक पकड़ी होकर कह रही को भाई रोई रंड बाज जा, जन्यू ही बाजे गई ना तू तो बस आवे किसी और का भी नहीं। आज तेरी कुछ नियत में खोट दिखाई दे रहा है मेरी में। और क्यों? क्यों? हाँ, क्योंकि देख अपनी भाभी की गहल में कैसे ढूंढे मार मार के नाच रहा है ना? भाभी कसर तू भी नहीं छोड़ रही, तू भी भिड़न नहीं हो रही है। सोने ओहो आज तो तेरी देवर आंखी भी लाल लाल हो रही है, हैं? दो चार पैक लगा के आगे दिखे पैक। और ना तो तेरी आंखी भी लाल हो रही है और तेरे कुछ लत्ते भी गंदे से हो रहे है ना? भाभी लत्ते तेरे भी गंदे हो रहे हैं। और बता दे मेरी गेल में? हाँ कोई भी नहीं था, याद कर ले। हाँ। अच्छा देवर एक और एक बात बता, तूने सचमुच कुछ देख लिया है? हाँ सच्ची तेरी सगन सब कुछ देख लिया, सब कुछ कमा की तेरी माँ की ला रे बिठा दे मेरे साले का। हाँ। कुणी चल कोई बात नहीं देवर, अगर तूने सब कुछ देख ही लिया है हाँ तो देख इस बात को यही खत्म कर। अच्छा क्योंकि हाँ मैं तेरी भाभी तू मेरा देवर। देवर अच्छा पागल ये बात सिर्फ तेरे मेरे बीच में रहनी चाहिए, किसी तीसरे इंसान को भी पता नहीं चलनी चाहिए। मतलब यो बात तेरे और मेरे बीच में रहनी चाहिए? सिर्फ तेरे मेरे बीच में, तीसरे ने पता नहीं पड़नी चाहिए ना? पर तीसरे ने तो पता है जो कार्रवाई करके गया है। हाँ उसकी टेंशन मत ले, उसको तो मैं समझा दूंगी और बस तू मेरी बात मान जा। और पागल उसके बदले में तेरी मौज कर दूंगी। मौज अभी मन्ना मौज नहीं करवानी रे, तने के समझा करता मारी जो खानदान की जो इज्जत थी मान मर्यादा थी तने सारी माटी में मिला दी। सुन ले मेरी बात। अच्छा। और देवर हाँ देख मैं तुझसे आखिरी बार कह रही हूँ देवर मेरी बात मान जा। हाँ पागल तेरा इस घर में राज होगा, राज जो तू कहेगा वही इस घर में काम होगा। रे भाभी तने मैं अपनी माँ समझा करता। माँ तो माँ हूँ। अच्छा क्योंकि कहते हैं प्रेमी सजनो एक भाभी भी माँ के सम्मान होती है ना, है ना समान होती है ना। और माँ ने मम्मी जी बोल मम्मी जी। ओहो मम्मी जी फिर कितने पापा जी बनाओगी? देखियो आलिया इगले। ओहो ठीक ठीक मैं नु कह रही हूँ देवर तू बहुत हर से ज्यादा फालतू बोल रहा है। मेरी बात मान जा वरना तेरे साथ में बहुत बुरा हो जाएगा। मैं तने के समझा करता तू के लिकड़ी। अच्छा तेरा ताली नागन काली नाश करन वाली बुंडे मुंह वाली चंबो चाली जितना कह दू उतना कम है देवर। बहुत फालतू बोल रहा है भाभी तने मेरा थप्पड़ मारा। हाँ मारा इतना दुख शायद मैंने छोटे से ने छोड़ के मेरी माँ मर गई थी, छोटे से ने छोड़ के बाप मर गया था, इतना दुख मैंने उस दिन नहीं आ जितना दुख तने मेरे थप्पड़ मारा अजीब आया है। अच्छा देवर मुझे भी उतना दुख नहीं हुआ था जिस दिन आपके भाई ने मुझसे वचन मांगा था और कहा था पिंगला कि तेरे कोख से किसी कहा था मुझसे कि पिंगला तेरी कोख से किसी संतान को जन्म नहीं देना जब तक मेरा छोटा भाई विक्रम जिंदा है। विक्रम जितना मुझे आज तेरी भाभी। अरे देवर हाँ देवर। हाँ देवर बोलने भी नू कह रही हूँ मैं आज तो स्कूल से बहुत जल्दी आ गया। जल्दी आ गया तेरी रात तो स्कूल से छुट्टी बहुत जल्दी हो गई। जल्दी होगी क्या बात है? क्या टाइम हो रहा है? अभी तो दो भी नहीं बजे। अच्छा मेरी छुट्टी कितने बजे हुए करे? तेरी छुट्टी तो पूरे चार बजे होती है। बावली मेरी छुट्टी 12:30 बजे हुए करे। अच्छा हाँ चल कोई बात नहीं देवरी, अगर आज तू स्कूल से छुट्टी तेरी जल्दी हो गई है हाँ तो मेरे साथ अंदर महल में चल। क्यों? क्यों? हाँ क्योंकि आज मैंने तेरे लिए बढ़िया बढ़िया सा भोजन बनाया है। अच्छा और भोजन आज तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। दुश्मनी तेरे हाथों का तो मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। क्यों? के उल्टे कर्म करती अन्न है तू महल में। मैं और मैंने न्यू बता क्या आज तेरे साथ महल में कौन था? मेरे साथ में कौन था? हाँ कोई भी नहीं था। याद कर ले होगा ना? सोच ले कोई था नहीं कोई थी। कौन? मेरी गैल तो मेरी बांदी थी। बांदी ना कोई बांदा था।